नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, अपने राजस्थान में बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि जो ग्रेजुएशन कॉलेज है, एक पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं जिसमें पीजी होता है, एमएससी एमकॉम, एक को जो है यूजी कॉलेजेस होते हैं जिसको ग्रेजुएशन कॉलेजेस बोलते हैं, जिसमें बीए बीएससी बीकॉम होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, वो बीएससी तो अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें पीसीबी या यूँ कहें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या सीबीजेड यानी कि केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी, इसमें वो कर लेते हैं बीएससी। लेकिन आगे एमएससी के लिए जो कॉलेजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हैं अपने राजस्थान में। इस कारण वो क्या करते हैं, या तो प्राइवेट पढ़ने की कोशिश करते हैं जिसमें साइंस अच्छे से फिट नहीं बैठता, और अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं। एक तरफ उनके पास बीएससी होता है, एक तरफ एमएससी नहीं हो कि उनके पास एमए होता है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट होता है। अब उसमें क्या है कि जब वो टीचर बनते हैं तो सेकंड ग्रेड से जब फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन की बात आती है, तो वहां पर एक नया नियम अब लागू जो हो रहा था अब फाइनली हो गया है, वो ये है कि सेम सब्जेक्ट रूल। उसमें क्या होता है कि आपने जिस विषय में पीजी किया, देखिए फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए क्या चाहिए, बीएड चाहिए और पीजी यानी कि एमए एमएससी एमकॉम चाहिए। अब उसमें आपका सेम सब्जेक्ट रूल ऐसे लागू होता है, जैसे किसी ने बीए किया तो राजनीति इतिहास भूगोल या राजनीति इतिहास समाजशास्त्र ले लिया। अब उसमें से ही किसी एक विषय में, जैसे राजनीति में, इतिहास में या भूगोल समाजशास्त्र में, जो उसके तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उसी में से किसी एक में जाके वो एमए करता है तो बिल्कुल वो फर्स्ट ग्रेड के लिए मान्य है। अब इसके विपरीत कई सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं कि राजनीति इतिहास भूगोल में तो वो बीए करते हैं और आगे जाके समाजशास्त्र में एमए कर लेते हैं, या कोई लोक प्रशासन में एमए कर लेता है, या जो है दर्शन शास्त्र में कर लेता है, तो वो इसमें बाहर हो जाएगा। और सेकेंडली, जैसे मैंने बीएससी वाला एग्जाम्पल दिया, क्योंकि कॉलेजेस इतने ज़्यादा पीजी लेवल के एमएससी लेवल के नहीं हैं, तो इस कारण वो क्या करते हैं कि बीएससी करते हैं, दूसरी तरफ जाके एमए कर लेते हैं। तो बीएससी साइंस है, एमए जो है आर्ट्स है, तो उसमें तो कहीं कोई मेल जोल है ही नहीं, तो इसीलिए वो सेकंड ग्रेड ही रह जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड के पात्र नहीं बन पाते। तो इस पर कुछ स्टे भी लगा था। अब स्टे के बाद नई चीज़ें ये आई है कि लिस्ट आ चुकी है, और इन वरीयता सूची में यानी कि एक तरीके से देखें कि मेरिट लिस्ट आप जिसको कह सकते हो, उसमें उन्हीं अध्यापकों को पात्रता, या यूं कहें प्राथमिकता, माफ कीजिएगा पात्रता नहीं, प्राथमिकता दी गई है, जो सेम सब्जेक्ट रूल को फॉलो करते थे। मतलब जिनके ग्रेजुएशन में जो तीन सब्जेक्ट थे उसी में से किसी एक में, तीन ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, उसी में से किसी एक में उन्होंने पीजी किया है, चाहे अगर बीएससी है तो तीन ऑप्शनल में से किसी एक में, और बी है तो तीन ऑप्शनल में से किसी एक में, ऐसे कॉमर्स का भी रूल लागू होता है। अब देखिए, शिक्षा विभाग ने नए राजस्थान सेवा नियम 2021 को लागू करते हुए वरिष्ठ अध्यापकों से व्याख्याता पदों पर पदोन्नति के लिए इस पद के योग्य विभिन्न विषयों की पात्रता सूचियां जारी कर दी हैं। नए नियमों के तहत स्नातक विषय से ही अधिस्नातक यानी कि पीजी कह सकते हो, जिसे आप इसे परास्नातक भी बोलते हैं, स्नातकोत्तर भी बोलते हैं, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये वरिष्ठ अध्यापकों को व्याख्याता पदों पर पदोन्नति का पात्र माना गया है। ये सूचियां उसी अनुसार जारी की गई है। ऐसे 18,421 सेकंड ग्रेड की अस्थायी पात्रता सूचियां जारी करते हुए 31 मई तक आपत्तियां मांगी गई है। अब देखिए प्रक्रिया क्या है, आपत्तियों का निस्तारण करते हुए विभिन्न विषयों की स्थायी वरीयता सूचियां जारी होंगी, और उसके आधार पर डीपीसी होगी, जो प्रमोशन की जो लिस्ट है वो सारी तैयार होगी। अब देखिए, पहले जो नियम ये थे उसके अनुसार किसी भी विषय में पोस्ट ग्रेजुएट होने वाले वरिष्ठ अध्यापकों को पीजी के विषय के आधार पर जो है आगे लेक्चरर बना देते थे। किसी ने लोक प्रशासन से पीजी किया और पीछे बीएससी है बन गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो लोक प्रशासन उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तभी जो है उस यूजी और प्लस पीजी यानी कि 5 साल वो विषय पढ़ा है तभी जो है वो प्रमोशन ले पाएंगे। अब देखिए, 2021 में सरकार ने इस नियम को संशोधित करते हुए स्नातक जिस विषय से की गई है उस विषय में अधिस्नातक होने पर ही व्याख्याता पद पर पदोन्नति देने का नियम लागू किया है। इस नियम के लागू होने के बाद पहली बार विभाग द्वारा नियमों से व्याख्याता पदों की पात्रता सूचियां जारी करके डीपीसी की तैयारी कर ली गई है। तो इस हिसाब से अब सारी चीज़ें चलेंगी। थोड़ी रोक वगैरह भी लगी थी, लेकिन अंततः यही हुआ जो सरकार चाहती है। देखिए क्या है, अब विभिन्न शिक्षक संगठन इसमें जो है विरोध कर रहे हैं। देखिए क्यों, क्योंकि इन संगठनों का कहना है कि विभाग में विज्ञान और वाणिज्य संख्याएं बहुत जो है कम संख्या में खोले जाते हैं। वर्तमान में अधिकांश सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में केवल कला संकाय खोला गया है, इससे विज्ञान और वाणिज्य संकाय वालों को पदोन्नति के बहुत कम अवसर मिलेंगे। क्योंकि देखो ऐसा है कि जिनके विज्ञान में एमएससी है ही नहीं तो वो आगे बन नहीं पाएंगे, पद भी नहीं है, और आर्ट्स में है तो वो बन नहीं पाएंगे क्योंकि एमए है, और दूसरी तरफ बीएससी है, बीए तो है ही नहीं उनके, तो ये एक रीज़न है। इसमें विज्ञान और वाणिज्य संख्या यानी कि जो कॉमर्स और जो साइंस है उनको प्रमोशन के बहुत कम अवसर मिलेंगे। दूसरी ओर हाल ही में व्याख्या तक लिए सीधी भर्ती का आवेदन लिए जा रहे हैं, उसमें ग्रेजुएट के लिए विषयों में पोस्ट ग्रेजुएट होना आवश्यक नहीं रखा गया,
यानी कि सीधी भर्ती से अगर आप भरते हो तो आपको सेम सब्जेक्ट नहीं चाहिए, और अगर आप सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड में आते हो तो फिर सेम सब्जेक्ट वाला रूल। ये थोड़ा सा मुझे कुछ हद तक अन्याय लगा। मैं समझता हूँ अगर इनको सेम सब्जेक्ट रूल लागू ही करना है तो दोनों पे कर दो, प्रमोशन पे कर दिया। अब जो रेगुलर जो नियमित भर्ती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो है जिसमें एग्जाम के माध्यम से भर्ती होती है, उसमें भी ये कर देना चाहिए कि जो सेम सब्जेक्ट है उन्हीं को बनाओ, या फिर इसमें भी मत बनाओ और प्रमोशन में भी मत बनाओ। देखो अपने को इसमें वो है नहीं लालच कि बस कोई सेकंड ग्रेड अपने हैं उनको फर्स्ट ग्रेड बनाना, वो वाली बात नहीं है। कॉलेज एजुकेशन अपने आप में एक अलग है, तो उसमें ऐसा कोई रूल है नहीं। ये तो फर्स्ट ग्रेड की स्कूल एजुकेशन की माध्यमिक शिक्षा विभाग की बात हो रही है, तो सीधी सी बात यह है कि थोड़ा न्यायिक तरीके से ये करना चाहिए। अब शिक्षक संगठनों का कहना है कि पदोन्नति में नए नियमों को लागू करना और सीधी भर्ती में नहीं करना, ये थोड़ा सा जो है इनको अन्याय लग रहा है। अब देखिए इसमें 272 जो है टीचर्स, देखिए 272 व्याख्याताओं पर लटकी पदावनति की तलवार। पदावनति मतलब यह है कि एक तो होता है प्रमोशन, एक उसके बिल्कुल विपरीत होता है वो होता है डिमोशन। तो पदोन्नति यानी कि प्रमोशन और पदावनति यानी कि डिमोशन। तो जो एक पदोन्नति होती है वो छोटी रैंक से बड़ी रैंक पे, या यूँ कहें सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड पे भेजते हैं, और पदावनति यानी कि डिमोशन जो होगा उसका मतलब ये होगा कि फर्स्ट ग्रेड से उनको वापस डाउनग्रेड करके सेकंड ग्रेड बना दिया जाएगा। और वो क्यों? क्योंकि उनके बिना, देखो उनको जब फर्स्ट ग्रेड बनाया भी गया था तो उनको प्रोविजनल रखा गया था, यानी कि अस्थायी रूप से बनाया गया था कि इसमें जो भी आगे हम लोग निर्णय लेंगे, अंतिम फैसला फाइनल डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग अगर ये रूल जो है नहीं ऐड हुआ सेम सब्जेक्ट वाला, तो आपको रख देंगे फर्स्ट ग्रेड हुई आप, और अगर हो गया तो आपको वापस सेकंड ग्रेड में जाना पड़ेगा। अब ये लोग क्या करें, ये लोग अपना जो भी बीएससी है तो फिर वो उसमें एमएससी करें, और बीए में कोई सब्जेक्ट जो उनके नहीं था उसमें एमए किया तो उसको छोड़ें, और जो बीए में सब्जेक्ट है तीन उसी में से किसी एक में जाके वो एमए कर लें प्राइवेट, तब इनका काम हो सकता है। अब शिक्षा विभाग में यही जो चीज़ें मैंने आपको बताई, और सेवा नियम जो है 2021 लागू कर दिया गया है, और हम इनको जो है वापस पदावनत किया जाएगा, यानी कि बिल्कुल इनको डाउनग्रेड इसमें जो है किया जाएगा, डिमोशन जिसको कहते हैं। अब देखिए, अब ये चीज़ें तो खैर कोर्ट में तो पहले भी गई हैं, और इसमें तो जैसा शिक्षा विभाग चाहता था वैसा अभी हो रहा है। अब देखो इसमें एक और अपडेट है कि जानकारों का कहना है कि सरकार ने नए नियम बनाकर प्रधानाध्यापक जो हेडमास्टर होते हैं माध्यमिक विद्यालय का पद ही समाप्त कर दिया है। विभाग के प्रधानाध्यापक वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बनने के लिए पात्र हैं, लेकिन नए नियमों में वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल की योग्यता जो है वो पीजी और बीएड जो है निर्धारित है। अब कई सारे ऐसे हेडमास्टर है जो केवल ग्रेजुएशन, देखो बीए बीएससी बीकॉम और बीएड, इसी के आधार पर वो सेकंड ग्रेड बनते हैं, इसी के आधार पर थर्ड ग्रेड बनते हैं लेवल सेकंड, और इसी के आधार पर 5 साल के अनुभव के साथ हेडमास्टर बनते हैं। तो पीजी तो उनके है ही नहीं। अब जब पीजी नहीं है तो वो जो है सेकेंडरी जो स्कूलें थी उसमें जो है वो वाइस प्रिंसिपल नहीं बन पाएंगे, और फिर प्रिंसिपल तो और भूल जाओ। अब इसके लिए थोड़ा फर्स्ट ग्रेड के लिए मैं समझता हूँ ईजी हो गया, विशेषकर जो डायरेक्ट भर्ती में लगे कि उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं है, और जो सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हैं या जो हेडमास्टर से वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल बनना चाहते हैं उनके लिए ये थोड़ी सी असुविधाजनक बातें हो गई है। तो अब उनको पीजी करना पड़ेगा साहब, और उस विषय में करना पड़ेगा जो उनके 3 ऑप्शनल में है। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें नई ऐड हो गई है। तो कोशिश यही करो अगर आप इस रूल के अंडर नहीं आना चाहते तो सीधी भर्ती में फर्स्ट ग्रेड में ही सेलेक्ट हो जाओ, और अगर आप सेम सब्जेक्ट वाले हो मतलब जो 3 ऑप्शनल है उसी में से किसी एक में पीजी किया तो डेफिनेटली आप सेकंड ग्रेड में जाके 5 साल या 7 साल जो भी आपका समय, 5 साल लगता है मोस्टली, अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है सर्विस रिकॉर्ड अच्छा है तो आपको जो आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस इसमें रहेगी, बाकी जो भी अपडेट्स आएंगी तो आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।